नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिल्मी बीट पर। रिधिमा को मिला मोमेंट पास, पिता ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने आज सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ने कैंसर से लंबी जंग लड़ी थी, लेकिन अंत में वो हार गए। बुधवार को इरफान खान के निधन के बाद एक्टर ऋषि कपूर का यूं जाना हर किसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब क्योंकि ऋषि कपूर का निधन लॉकडाउन में हुआ है, इसीलिए उनके अंतिम दर्शन का भी ज्यादा लोग हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ऋषि कपूर की बेटी को मुंबई जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है। उन्हें दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मोमेंट पास मिला है। अब ये प्लेन से जाने की कोशिश करती हैं तो कोई चार्टर्ड प्लेन मिलता है वो इन सब पर डिपेंड करता है। दिल्ली पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, वो इनके अरेंजमेंट पर निर्भर है। चाहे तो वो सड़क से या प्लेन अगर मिलता है तो जा सकती हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर साउथ ईस्ट दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट में रहती हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको मुंबई जाने का मोमेंट पास जारी कर दिया है। सुबह 10:30 बजे 5 लोगों के लिए पास जारी किया गया है। पहले एक्टर ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंसी थी। वो लॉकडाउन की वजह से पिता के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई नहीं आ रही थी। इस समय मुंबई में नीतू कपूर, रणबीर कपूर, रणधीर कपूर मौजूद हैं। खबरों की माने तो रणबीर की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट भी कपूर परिवार के साथ मौजूद हैं। बता दें, ऋषि कपूर अपनी बेटी रिधिमा के काफी करीब थे, दोनों की बॉन्डिंग काफी मजबूत थी। लेकिन अब ऋषि कपूर का निधन यूं हर किसी को रुला गया है। ऋषि कपूर को बुधवार रात को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस समय ये कहा गया था कि ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 8:45 पर ऋषि कपूर ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।